हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव कुमार लेक्चर्स। इस वीडियो में आज हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के टॉपिक को पढ़ेंगे। उसमें से जो टॉपिक है वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाता है वो हम आज इस वीडियो में मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो बीकॉम और बीबीए बिजनेस मैथमेटिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। तो आप सभी को पता होगा, अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम जो उस प्रोडक्ट से हमें रेवेन्यू मिलने वाली है, जिस प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं, उस रेवेन्यू में से हम उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट हमें आई है उस कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दिया जाता है और हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। अब दोस्तों मैथमेटिकल टर्म में इनको कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिकल टर्म में प्रॉफिट को पी से दिखाया जाएगा और रेवेन्यू को आपको पता होगा आर एक्स से दिखाया जाता है। आर जो है वो एक्स का फंक्शन होता है और कॉस्ट को सी से दिखाया जाता है जो कि फंक्शन होता है किसका? एक्स का। तो ये हमारे पास प्रॉफिट की इक्वेशन बन जाती है। अब आपको क्या करना है कि जो प्रॉफिट की इक्वेशन है उस प्रॉफिट की इक्वेशन में से आपको उसको डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और आपके कुछ पास कुछ समथिंग वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी उस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू को दोस्तों मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया, सॉरी, ठीक है। यहाँ आप डबल डेरिवेटिव के बाद इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से आप सभी के सामने एक्स की एक वैल्यू निकल कर आपके पास आ जाएगी। अब जो आपके पास एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी इस पॉइंट पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ठीक है, आउटपुट पर। अब आपको क्या करना है, आपको इसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकाल देना है। तो जब आप इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो डबल डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। अगर वो डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो आ जाता है तो समझिए कि आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो गया है एक पॉइंट पर, जो कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू आई होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन की हेल्प से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास कॉस्ट फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है सी एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस 12x स्क्वायर दोस्तों रुक जाइए 12x स्क्वायर प्लस 848x प्लस 11। और आपके पास रेवेन्यू फंक्शन भी यहाँ दिया हुआ है, रेवेन्यू फंक्शन है 83x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 21। मैं मार्कर का कलर चेंज करता हूँ और यहाँ पर इसको थोड़ा लाइट भी कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है हमारे पास रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जो भी हमारी कॉस्ट आ रही है। तो हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है ऊपर, उसको हम रख लेते हैं 83x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 21। क्लियर दोस्तों? अब माइनस का साइन लगाएंगे आप और कॉस्ट फंक्शन को लिख देंगे, ब्रैकेट्स में लिख देते हैं इनको। तो हमारे पास ये होगा एक्स का क्यूब, कॉस्ट फंक्शन आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है एक्स का क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 11। तो ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन रह गया। अब आप क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही रह जाएगा, माइनस एक्स की क्यूब माइनस की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, 12x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 11। ठीक है दोस्तों, तो ये आप अब देख सकते हैं इसमें से कौन कौन सी वैल्यू कट रही हैं या माइनस हो रही हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर कितना रिमेनिंग बच जाएगा, आपके पास यहाँ रिमेनिंग 25x बच रहा है पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ माइनस 4x स्क्वायर है और यहाँ पर आपके पास 12x स्क्वायर है, तो आपके पास यहाँ बच जाएगा 8x स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास माइनस 21 है, यहाँ भी आपके पास माइनस 11 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास माइनस का 30
टू निकल कर आएगा, और ये एक्स थ्री के साथ कोई भी नहीं है तो माइनस एक्स थ्री एज इट इज़ हम इसको लिख देंगे। तो ये हमारे पास एक फंक्शन आ चुका है। अब आप सभी को क्या करना है, ये जो फंक्शन आया है प्रॉफिट का, इसका आपको डेरिवेटिव करके दिखाना है। तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे डी पी बाई डी एक्स, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 25 प्लस 16 एक्स, माइनस की जगह ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर इक्वेशन बनी होगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, लगता है थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलती हुई है, बिल्कुल कहीं गलती हुई है। वो गलती ये है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो है वो 35x आ रहा है, तो इसको मैं 35x लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका क्या करेंगे, ऐसे फंक्शन इसके फैक्टर करेंगे कि प्लस माइनस करने पर 16 और मल्टीप्लाई करने पर 75 आ जाएगा, तो वो आपके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो आपके फैक्टर्स यहाँ पर मैंने बनाए और वो फैक्टर्स आए हमारे पास 12 और क्या कहते हैं 5 और 7। ठीक है, यहाँ से आप इसको कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू जो है वो ईज़िली निकल कर आ जाएगी। ठीक है, फैक्टर्स अभी ये 5-7 नहीं है। ठीक है, वैल्यू अभी हम निकालेंगे तो उसमें हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन निकल रही है फैक्टर करने के बाद। तो ये आपके पास फैक्टर आप कर लीजिएगा तो आपके पास ये जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आ गया है तो अब आप इनको जो है वो जीरो के इक्वल बराबर बराबर पुट करते जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डी पी बाई डी एक्स को हम लोग जीरो के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि माइनस 3x प्लस 5 और एक्स माइनस 7 को जीरो के इक्वल आप पुट करेंगे। तो जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो सबसे पहले 3x प्लस 5 को आपने जीरो के इक्वल पुट किया तो आपके पास 5 इक्वल्स टू 3x आया, x इक्वल्स टू 5 बाय 3 आपके पास यहाँ पर आया। ठीक है, क्लियर है, ये वैल्यू पहली आई आपके पास। अब नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपके पास अगली वैल्यू आएगी यहाँ पर x माइनस 7 जो है जीरो के इक्वल आप पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर x इक्वल्स टू 7 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ शायद मैंने कुछ गलती की है, यहाँ पर अगर आप इसको यहीं रखेंगे और उसको उधर लेके जाएंगे, देखिए मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो माइनस 3x इक्वल्स टू आपके पास माइनस 5 आ गया, x इक्वल्स टू आप यहाँ निकालेंगे तो माइनस 5 बाय माइनस 3, तो x इक्वल्स टू फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है इसलिए उसको मैं नहीं ले रहा हूँ। तो x की वैल्यू हमें क्या लेनी है, और नेगेटिव में भी है, इस वजह से मैं x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 7 ले रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू 7 आ चुकी है तो आपके पास जो फंक्शन आया था आप उस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कर देंगे। तो डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास क्या फंक्शन आया था उसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास आया था 35 माइनस में नहीं था, मैं प्लस में लिख देता हूँ, प्लस में 35 प्लस 16x माइनस 3x स्क्वायर। अब आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे d² p / dx² तो डबल डेरिवेटिव करने पर ये 0, ये 16 और ये माइनस का 6x, तो आपके पास फाइनल निकल के आ रहा है 16 माइनस 6x, ये आपके पास फंक्शन निकलता हुआ आ रहा है। अब आप यहाँ देखेंगे d² / dx² आपका लेस देन 0 आ रहा है। कैसे आ रहा है आप देखें, अगर x की वैल्यू आप यहां पर 7 पुट करें, 16 माइनस 6 इंटू 7 तो 16 माइनस 42 यानी कि माइनस का 28, तो आपके पास माइनस 28 या माइनस 18, ठीक है माइनस 28 ही दोस्तों, चलिए माइनस 28, तो आप यहाँ देखेंगे आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आई है, तो हम कह सकते हैं माइनस 28 जो है वो लेस देन 0 होता है। तो आपका फंक्शन लेस देन 0 है, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइजेशन हो चुका है, और ये आपको क्लियरली अच्छे से समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब दोस्तों इसी तरीके से हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं इसके बाद और वीडियोस आप सभी को दूंगा और वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप ये वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें आप सभी, और अगर आपका कोई सुझाव है मेरे लिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए यहाँ पर बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में हम सब मिलते हैं।